नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस बहुत विशेष कार्यक्रम के अंदर दोस्तों युद्ध हमें बहुत कुछ सिखाता है हमें इन्वेंशन सिखाता है इनोवेशन सिखाता है जब आप युद्ध में जाते हैं तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जहां पर आप सोचते हो कि मैं इतना पैसा खर्चा करने के बाद करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी मुझे विक्ट्रीज नहीं मिल रही हैं और मैं कोई ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव साधन अपना सकता हूं जिसके द्वारा मैं अपने दुश्मन की नाक में दम कर सकता हूं आप सोचिए जो हो रहा है वो सबको अचंभित कर रहा है जो बड़े बड़े मिलिट्री के स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको अचंभित कर रहा है कि ये कौन सी वॉरफेयर है भाई ये हमने ना इसके बारे में सुना ना देखा जैसे कि भारत ने कहा कि हम अमेरिका से कुछ ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं और वो ड्रोन्स बहुत महंगे ड्रोन्स हैं आप ये कहिए कि एक-एक ड्रोन जो है करोड़ का, पांच पांच सौ करोड़ का एक एक ड्रोन इतने महंगे ड्रोन्स और कुछ छत्तीस या इकतीस ड्रोन खरीदने की बात हो रही है अब ड्रोन्स आपको पता है कि आज की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है और ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस एकदम से कम होनी शुरू हो गई और सारी की सारी वॉर जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के के कारण ड्रोन्स द्वारा लड़ी जा रही है। अब कहां तो पहले इतने महंगे ड्रोन आए जिसकी आज भी है वो ड्रोन्स और वो काफी ऊंचाई पर जाते हैं और वहां से उसमें कोई पायलट भी नहीं होता है लेकिन युद्ध हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और तौर तो से हिजबुल्ला की जो वॉर है इसराइल के साथ में और जो यूक्रेन की वॉर है खास तौर से रूस के साथ में जहां हम समझ बैठे थे कि रूस अब भारी पड़ जाएगा और यूक्रेन बर्बाद हो गया लेकिन यूक्रेन के इन मच्छरों ने मैं तो इन्हें मच्छर ही कहूंगा हजार डॉलर का एक ड्रोन हजार डॉलर अस्सी हजार रुपए का एक ड्रोन रूस में तबाही बचाता है और तबाही मचाने के साथ जब रूस देखता है हो क्या रहा भाई मैं ये जो ड्रोन आ रहे हैं जिनकी कीमत अस्सी हजार रुपए है जिनके अंदर विस्फोटक भी भरे हुए हैं जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं मैं उनको गिराने के लिए करोड़ों की मिजाइल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं करोड़ों की मिजाइल्स ये एक नई चीज निकल के आती है ईरान ने ड्रोन बनाने में महारत हासिल की लेकिन अब जो ड्रोन बन के आए हैं इसने तो बड़े बड़े जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं जो रणनीतिकार हैं उनके अंदर एक तरह से ऐसा अचंभा पैदा किया कि वो माथा पकड़ के बैठे यार ये क्या है इससे भी लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या हम क्या पुराने मध्ययुगी मध्ययुग में चले गए हैं या एक प्राचीन काल में चले गए हैं जहां लोग घोड़ों पर बैठ के लड़ाई करते थे या क्या कहते हैं हाथी में बैठ के लड़ाई करते थे तलवारों से लड़ाई करते थे कुछ वैसा ही प्रारूप निकल कर आ रहा है ना जाने किसके माइंड की उपज थी कि भाई एक छोटा सा घर की लकड़ी से ड्रोन बना सकते हो लकड़ी से ड्रोन बना सकते हो फर्नीचर की दुकान पे जाओ जो टूटी-फूटी लकड़ी होगी वो लेके आ जाओ उसकी कटिंग करवा लो उससे ड्रोन बना लो और उसके अंदर एक छोटा सा थ्रस्टर गया और पंखा उसके अंदर फिट करो नीचे एक क्या कहते हैं कि उसका जो थ्रस्टर क्या कहते हैं जिसको कंट्रोलिंग यूनिट होता है वो लगाओ और साथ में एक विस्फोटक लगा दो उसके अंदर बम लगा दो नीचे बस हो गया काम और ये वो ड्रोन है जो वन टाइम यूज किए जाते हैं यानी कि गए तो गए खत्म हो गए उसके बाद वापस ही आना है इनको आप कहोगे यार वापिस नहीं आएंगे जी हाँ ये इनका गिरता है, वो पे अच्छा खासा नुकसान करते हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो ऑयल इंस्टॉलेशन है, जो है जो बड़े बड़े ऑयल के टैंक्स बने वहां जाके गिरते हैं और पता लग रहा है वहां पे एक दो किलो का विस्फोटक जो है आपके करोड़ों अरबों की संपत्ति का स्वाहा कर देता है ये जब रूप यु यूक्रेन ने अपनाया

पागल क्यों बना रहा है अब आप कहेंगे ये तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के खेलने की चीज है जो आपको किसी बच्चों के खेलने की दुकान पर जाते हैं और आप कहोगे ये वॉरफेयर के अंदर यूज किए जा रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर यूज किए जा रहे हैं हिजबुल्ला के द्वारा यूज किए जा रहे हैं ये अपना इसराइल के खिलाफ चलिए आप देखिए इन तस्वीरों को देखते हैं अब ये आपको कुछ ऐसी तस्वीर लगेगी यूक्रेन का यह ड्रोन जो है ऐसा लगेगा आपको जैसे किसी लकड़ी की दुकान में जाके कुछ कट पीसेस कट करवा लिए गए लकड़ी के और फिट करवा दिए गए और बन गया ड्रोन सब एक आगे पंखा लगा दिया एक नीचे थ्रस्टर है जो कि उसको बैटरी होती है जो उसको ऑपरेट करती है बैटरी ऑपरेटेड होता है और उसके साथ में नीचे एक विस्फोटक लगा दिया जाता है हो गया काम जी पूरा का पूरा अच्छा इसके अंदर नीचे से कंट्रोल भी नहीं कर सकते बहुत लंबा चला जाए तो क्या होता है अंदर ही एक सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर छोटा सा एक मदरबोर्ड लगाया जाता है छोटा सा चिप लगाई जाती है जो उसके अंदर पहले डेस्टिनेशन सेट कर दिया जाता है कि ये यह यहां से उड़ेगा और इस डेस्टिनेशन जाके ध्वस्त हो जाएगा वहां पे गिर जाएगा ये कमाल की बात ये है कि इस किस्म के ड्रोन में आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाता हूं ये तो थोड़ा सा फिर अच्छा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है जैसे किसी टॉय की दुकान में होता है इसको देखिए ये तो पूरे लगता लकड़ी के फट्टे ही बने हुए सारे के सारे पीछे से एक फट्टा और जोड़ के उसका हवाई जहाज का शेप बना दिया गया तो मैं भी देख के हैरान हुआ मैंने कहा ड्रोन यूज किए जा रहे हैं युद्ध के अंदर और डेडली ड्रोन है ये डेडली ये देखिए ये तो रूम के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर ड्रोन रखा हुआ है सामने एक पंखा लगा है जिसके सारे वो चलता है और नीचे एक बैटरी लगी होती है जिसको पावर देती है और नीचे एक बम बांध दिया जाता है हो गया काम अब आप सोचेंगे भाई, इतने हल्के फुलके ये बना के रखे हुए हैं ये उड़ते कैसे भाई उड़ जाते हैं टेक्निक तो है इसके अंदर ना तो उसके बाद एक और तस्वीर है ये ये देखिए आप ये भी आपके सामने है तो आप कहोगे इसके अंदर भी स्पेशल क्या है दीज आर और अब मैं आता हूं खासतौर से आ, यहां पर मैं एक तस्वीर को छोटा भी कर देता हूं ताकि आप इसको देखते भी रहिए साथ साथ में और मैं भी आपके सामने वर्णन रखता रहूंगा अब दरअसल सारा सारा का सारा जो मुद्दा निकल के आता है कि ये तब निकल के आया कि जब यूक्रेन को लगा कि भाई मेरे पास कुछ बचा नहीं है और ये एक लोकल टेक्निक अपनाई गई वहां पर एक लोकल लकड़ी के सारे उसको कट पीस काट के जो, उसको जोड़ना है और ये भी समझ में आता है यहां पर कि जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जब ये लकड़ी के पीस काट लिए जाते हैं तो इन लकड़ी के पीसों को काटने में काटने के बाद इनको असेंबल किया जाता है जोड़ा जाता है मतलब पेचकस लगा के जोड़ दिया दो स्क्रू इधर लगाए दो स्क्रू तो बोलते हैं ये सारे पीसेस को जोड़ने में और साथ पंखा फिट करने में एक घंटा लगता है वन आवर और फिर उसके बाद इसके अंदर जो विस्फोटक लगाना है बम लगाना है और नीचे बैटरी लगानी है उसमें करीब आधा घंटा और लग जाता है तो डेढ़ घंटे में एक ड्रोन तैयार हो जाता है अब यह ड्रोन कितनी दूरी तक जा सकता है कैसे जा सकता है आपको यकीन नहीं आएगा कि ये एक बार वन वे वाले ड्रोन से सारे के सारे तो सैकड़ों ड्रोन का उत्पादन अब यहां पर हो रहा है बल्कि हजारों ड्रोन हो गए अब तो हर महीने में कहने के और इतने सस्ते हैं कि हजार हजार डॉलर यानी कि अस्सी हजार रुपए के अंदर पूरा ड्रोन बन जाता है आप कहोगे लकड़ी का बना तो अस्सी हजार कैसे है? भाई उसके अंदर पंखा भी तो लगाया है पंखे की स्पेशल बैटरी है उसकी कीमत है और एक अंदर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है उसके अंदर फिट करके तो उसकी कीमत हो जाती है जो चिप्स आती है उसके अंदर और वहीं पे उसका रूट भी डिसाइड कर दिया जाता है अब इन सस्ते ड्रोन को रोज कई कई भेजे जाते हैं गिराने के लिए रूस को अपनी महंगी करोड़ों रुपए की मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मिसाइल्स का आप सोचिए एक अस्सी हजार रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए आप करोड़ों की एक एक मिसाइल यूज कर रहे हैं जिसमें एस फोर हंड्रेड की मिसाइलें हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये तो कमाल की बात है कि इसमें तो वन वे ड्रोन के उत्पादक और कंपनियां जो है वो इस समय पैसा भी कमा रही है जम के डेली बना रही हैं इन्होंने युद्ध की दिशा को मोड़ दिया है बल्कि धीरे धीरे युद्ध ऐसा लगता है कि जैसे यूक्रेन के पक्ष में जा रहा है, और अभी कुछ कंपनियां ऐसी छह महीने पहले बनी है एक साल पहले बनी है आपको यकीन नहीं आएगा कि इन्होंने पांच छह आठ महीने के अंदर अंदर ऐसी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि भाई ये ड्रोन जो है 750 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं सात सौ पचास किलोमीटर साढ़े सात सौ और काफी अंदर जाके मार करते हैं हवा में उड़ते हैं छोटे से होते हैं दिखाई भी नहीं देते भाई ये तो दिखाई नहीं देते रडार इनको कैच नहीं कर पाते हैं। कि भाई ड्रोन के क्या, क्या, कहां पर है कोई बिंदु नजर आता है कहीं पर कोई छोटा सा है इसका साइज कितना बड़ा है भाई साइज तो बहुत छोटा है

क्या कहते हैं कि नष्ट करते हो तो आपका खर्चा कितना हो गया अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कंपनी उसमें ऐसी है कि जो हर महीने सौ से ज्यादा ड्रोन बना रही है जो साढ़े सात सौ किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है और उसके साथ ही सौ ऐसे ड्रोन भी बनाती है जो सौ किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं और ये गए और चले गए उसके भूल जाओ इनके अंदर वो कोई जो रास्ता होता है वो सब कुछ फीड कर दिया जाता है नीचे रिमोट से कुछ नहीं चलता है यहाँ पे वो सब चले जाते हैं और ये पुरानी फर्नीचर की फैक्ट्रियां हैं यूक्रेन की जो सारी की सारी ये वहां पर असेंबल कर देते और आज फैक्ट्री फर्नीचर तो कम बन रहे आज आजकल और ड्रोन ज्यादा बन रहे लकड़ी से अब सवाल ये पैरा होता है कि कुछ ड्रोन तो ऐसे हैं जो एक हजार किलोमीटर दूर तक की वहां तक चले गए मतलब सात सौ पचास किलोमीटर की जो उनकी दूरी जो नापी गई है कि ये उसके लिए बनाए गए इसको भी क्रॉस कर गए रूस को जो मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, पता लग रहा है कि वो वन मिलियन डॉलर की एक एक मिसाइल है और वो एक अस्सी हजार रुपए के इंडियन करेंसी में ड्रोन को दरअसल गिराने के लिए अपने करोड़ों अरबों रुपए चला रहे हैं ये जो यूक्रेन की टेक्निक है कि इट्स बर्निंग इट्स हर्टिंग सो कॉल्ड रशिया इमेंसली और इससे यूक्रेन का जो एक अटैकिंग पावर है उसको बड़ी मदद मिली है कि इतनी लो कॉस्ट के ऊपर आप रशिया को इतना परेशान कर दिया इतना परेशान कर दिया कि आप समझ नहीं आ रहा रशिया को को मैं करूं करूं तो करूं क्या अब इन ऐसे को देखा ने ड्रोन तैयार कर लिए अब वो क्यों पीछे रहेंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन ही कर रहा है रशिया भी तैयार कर लिए और रशिया ने भी यही लकड़ी वाले ड्रोन बना लिए और टेक्निक उन्होंने भी हासिल कर दी टेक्निक तो होती है हो गया तो ये उन्होंने भी अपना यूक्रेन पर अटैक करना शुरू कर दिए तो अब सवाल ये पैरा होता है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती है युद्ध आगे बढ़ता है तो उसके अंदर भी आगे बढ़ती है। अब इस किस्म के लकड़ी के ड्रोन हैं बिल्कुल सिंपल किस्म के ऐसा लगता है कि कोई जैसे किसी म्यूजियम के अंदर कुछ मॉडल्स रखे होते हैं ना कि उसका इस्तेमाल वॉरफेयर में मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर और जहां पे अब मॉडर्न फाइटर हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं ये ड्रोन चल रहे हैं और सिंपल एक एक लाख रुपए के ड्रोन इतनी तबाही मचा रहे कि जिसका कोई हिसाब नहीं और रशिया इन मच्छरों से परेशान हो गया मैं तो उनको मच्छर बुला रहा हूं अब होता क्या है कि एक और डेटा आया है इसमें से निकल के कि अधिकतर हमले जो होते हैं ना रात के वक्त किए जाते हैं अब इसमें कोई लाइट वाइट तो होती नहीं तो कोई पता तो लगता नहीं कहां पे है तो जैसे भी करके नीचे जो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको मार गिराते हैं इन छोटे छोटे ड्रोन को लेकिन सबको नहीं मार पाते अगर सपोज को सौ ड्रोन एक टाइम में निकले तो दस जो होते हैं ना वो पहुंच जाते हैं हैं अपनी जगह पे वो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आते हैं। यही हिजबुल्ला ने देखा जाए तो के साथ किया कि जहां पर एक तरफ वो उन्होंने बड़ी पहले रॉकेट मिजाइलें भेजी और मिसाइल भेजते जब उनको लगा कि भाई ये अब इतनी मिसाइलें आ गई इसके बीच का अब गैप कितना है तो उसके बाद फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से रीलोड करके जब करेंगे तो तब तक वो ड्रोन पीछे भेज देते हैं और वो ड्रोन भी इसी किस्म के ड्रोन है जो सोसाइडल ड्रोन से जाते जाके बम गिराते और बहुत नुकसान हुआ है मैं आपको बताऊ अंदर हिजबुल्ला के द्वारा इसराइल बताता नहीं है क्यों क्योंकि जैसे इस किस्म का अटैक होता है रॉकेट का हिजबुल्ला की ओर से तो अः इसराइल जो है मीडिया का एम्बार्गो लगा देता है एम्बार्गो मतलब प्रतिबंध लगा देता है बोलता है आप जो भी यहां पर हमले हुए जो डैमेज हुए उसको आप कवर नहीं कर सकते हम एक भी फोटो आप नहीं ले सकते एक भी वीडियो नहीं ले सकते आपको कोई अधिकार नहीं है तो मीडिया एमबारो यानी कि प्रतिबंध लग जाता है आप ये चीजें नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते कि इससे हमें पता लग जाएगा दुश्मन को पता लगेगा कि हम यहाँ पे डैमेज कर रहे हैं अभी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वो जो मदर चिप्स होते हैं उसके अंदर भी आ, यूज हो रहा है और जो पोजिशनिंग है उनकी जो विजुअल पोजिशनिंग होती है वो भी उसके द्वारा मदरशिप के द्वारा कंट्रोल हो रही है अब एक जो इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वो तो ड्रोन के लिए ही है अब आप सोचिए कि इसके द्वारा आप आ, निशाना जो बना रहे हैं अब रूस जो है आ, काफी मिसाइलें जो हैं उनकी पैसा खर्च हो रहा है इसके ऊपर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और कई कई तो हमारे पास फोटोग्राफ आए हैं जहां पे बड़े बड़े जो तेल के भंडार हैं उनके ऊपर ये ड्रोन गिरे हैं और बड़ा नुकसान हुआ उनका और यूक्रेन के कई ड्रोन ये लकड़ी वाले ड्रोन तो हजार किलोमीटर तक देखे गए हैं कुछ को तो मॉस्को के ऊपर गिराया गया है लेकिन उनका जो मेन फोकस जो है जो सेना के ठिकाने हैं वो वहां पर है अब या हवाई अड्डे हैं या वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर जाके ये करते हैं मुझे लगता है कि ये जो एक नई चीज जो अब निकल के आई है कि किस ढंग से एक इतनी लो कॉस्ट होने के बावजूद आप रशिया की सेना के नाक में दम कर सकते हैं और वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या अल्टीमेटली क्योंकि यूक्रेन इज वर्चुअली ब्लीडिंग

उनको पता लग गया भाई अब अब ज़्यादा पैसे बर्बाद करो छोट ये 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 छोट-छोटे अटैक करते रहो लेकिन जो नए आए हैं ना मैं बताऊं संकेत दुश्मन हैं आसपास के जरूरत नहीं है हमने तो एक ड्रोन भेजना है बम गिराना है हमें क्या करना? वो हो जागा, हो जागा, एक लाख रुपए जाएगा करोड़ों अरबों रुपए की मिजाइल तो बच जाएगी ना

तो ये जो नया रूप है इसके बारे में हमारी पेशकश थी आशा है आपको ये हमारी जो वार्ता है पसंद आई है और कि कैसे हजार डॉलर के ड्रोन ने रूस में तबाही बचाई हुई है और वही हिजबुल्लाइल के साथ भी कर रहा है दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल वेरी न्यू और सभी जो मिलिट्री के रणनीतिकार हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं दे आर गेटिंग मैड मैड एट दिस न्यू स्ट्रेटजी ऑफ द वॉरफेयर शुक्रिया आपका